16 या 17 डिग्री दे 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 घुमा अप्रॉक्स 16 या 17 डिग्री टेम्परेचर है, बट इतना कुछ फील नहीं हो रहा है कि बॉम्बे में मेरे परसों सुबह 6 बजे 22 डिग्री ना मेरी हवा निकल गई थी, आज भी 6 ही बज रहा है। हाँ, 17 डिग्री में इतना कुछ इतना फील नहीं हो रहा है। हाँ, बाकी जैकेट है, थोड़ा डबल कपड़ा आज मेरा। एक्चुअली अंदर भी मोटा पहना है हम लोग ने, पहले से ही मोटा पहन लिया था बिकॉज हमको पता था कि ठंडी होने वाली है। 12 डिग्री हमारे डेस्टिनेशन पे बताऊंगा नहीं, अभी भी नहीं बताएंगे हम कहाँ है। हम डेस्टिनेशन पे आ गए, हम होटल जा रहे हैं अभी, वहाँ पे चेक इन करेंगे फॉर फ्यू आवर्स ओनली, 2 से 3 घंटे के लिए। थोड़ा फ्रेश व्रेश होके फिर जाएंगे, हमारे जो एक्चुअल काम है यहाँ पे। काम क्या है? एक्चुअल डेस्टिनेशन पे जाना। हाँ, जो भी है वो तब बताएंगे। हे गाइस, तो हम आए हैं शिरडी। अब यहाँ से हम आप लोग को बता रहे हैं कि हम शिरडी पहुँचे हैं, तो अब थोड़ा सा हमारा दर्शन वर्शन हो गया है, अभी थोड़ा टूर करते। ये जो लाइन लगी दिख रही है, ये प्रसाद की लाइन है, जो लड्डू मिलते हैं ना 10 रुपये के, वो है। तो चलिए जाते हैं, थोड़ा नाश्ता करते हैं, बहुत भूख लगी है। कल रात को बस ट्रैवलिंग में वही जो आपको दिखाया था वही खाया, इसके अलावा कुछ खाया नहीं है। यहाँ पे कोल्हापुरी चप्पल, अमरूद मिलते हैं, ये पेरू नहीं होते गाइस, ये अमरूद होते, अमरूद अंदर से ना रेड होते, मस्त होते एकदम, टेस्टी टेस्टी लगते हैं। तो इन्होंने ये ना 100 रुपीज़ के 5 दे रहे थे, तो कम करने बोला, तो इन्होंने बोला कि कम नहीं होगा, अगर आपको चाहिए तो एक एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो 100 रुपीज़ का हमको 6 मिला है। मेरी मदर इन लॉ जो है ना, शुभम की मम्मा, उनको ये बहुत पसंद है। तो अभी हम जाते हैं, यहाँ पे एक साई अमृत करके कुछ तो है या कुछ होटल का नाम है इसका। पहले ये जो बाहर है ना, हम यहाँ पे खाने वाले हैं, वो नहीं था, अभी हुआ है। तो हम जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या क्या है, लेट्स सी खाने के लिए। बट अंदर वाले का जो हमने खाना खाया था ना, जब भी बहुत 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 यम था, यम्मी से भी यम था, बहुत अच्छा लगा था। सो अब अंदर ये बाहर वाला एम्बियंस नया बनाया है, लेट्स सी यहाँ पे जाके। सबसे पहले तो मैं चाय ऑर्डर करने वाली हूँ गाइस, बिकॉज चाय बहुत दिनों से पिया, बहुत देर से पिया नहीं, आई मीन बिकॉज सुबह सुबह बस से उतरे, फ्रेश हुए, मंदिर दर्शन किया, कुछ भी नहीं खाया पिया। चाय तो इज़ इम्पॉर्टेंट, चाय की बिना ज़िंदगी कहाँ चलती है हमारी। तो चलिए जाते हैं, फिर अभी प्रसाद भी लेना बाकी है, तो प्रसाद लेते हैं। ये है साई अमृत गाइस, ये साई अमृत का बाहर का ये जो बनाया है ना, सिटिंग इन द सन रेज एंड एंजॉयिंग द फूड, मस्त है। फिर अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं नाश्ता विस्ता करके। अभी हमारे हस्बैंड जी जो है वो भूल गए थे अपना अमृत का थैली, हम लोग साई। हाय गाइस, अब मैं आ चुका हूँ वापस अपने रूम पर, और एक बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट हो गया यहाँ पर। आयुषी की तबीयत हो गई है ख़राब, मॉर्निंग में ज़्यादा ठंडी थी, और उस ठंडी में हमने दर्शन भी किया साईं बाबा जी का, एंड उसके बाद हम रिटर्न भी आए, और उसके रिटर्न आने के बाद फिर से हम फ्रेश हुए। पहले तो फ्रेश हुआ ही था मंदिर जाने के लिए, आगे ना कि हम फ्रेश हुए, थोड़ा सोए। तो सोने के बाद जैसे हम 12 या 1 बजे के करीब हम लोग उठे थे, तो आयुषी की तबीयत बहुत डाउन थी, वो चल भी नहीं पा रही थी, तो उसका बीपी लो होने की वजह से हमने उसे डॉक्टर के पास में ले गया उसे, एंड डॉक्टर के पास से आने के बाद अब जाकर हम घर आए हैं। इट्स 6 o'clock, 10-15 मिनट पहले ही हम लोग आए हैं। एंड मैं बताना चाहूँगा कि अब तो ये आगे कंटिन्यू तो नहीं हो पाएगा, यही कंटिन्यू, यही व्लॉग शिरडी आने वाला, बट इसका मतलब ये नहीं कि व्लॉग नहीं आएगा। अभी हम ट्रैवल करने वाले हैं वाया ट्रेन, जो कि स्टार्ट होगी साईनगर शिरडी, जो कि एक ही इकलौता स्टेशन है, वहाँ से हम डायरेक्टली जाएंगे दादर, और दादर से अपने घर। तो वो व्लॉग हम ज़रूर शूट करेंगे, कोशिश तो मैं पूरी करूँगा कि आयुषी उसे लीड करे, क्योंकि आयुषी बहुत अच्छा लीड करती है। एंड आप लोग प्रे करो कि आयुषी का तबीयत और अच्छा हो जाए, वैसे वो 100% गुड है, देखिए उसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, वैसे उसकी शक्ल उतर गई है, तो कूल। तो अभी मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, आपको दो चीज़ ध्यान में रखना, मैंने गिव अवे की बात की थी 500 सब्सक्राइबर्स पे, बट मैं अभी उसे नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा 1000 पे ज़रूर, बट 1000 आपको जनवरी एंड से पहले कंप्लीट करना है। अगर जैन एंड से पहले 1000 सब्सक्राइबर होगा तो 199% मैं गिव अवे ज़रूर करूँगा। एंड सेकेंड चीज़, आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए यूज़ करना होगा #2 space backpackers।
चलो ठीक है, स्पेस मत रखिएगा, #2Backpackers रखिएगा, और कमेंट के साथ कुछ अच्छा प्यारा सा कमेंट, जो भी कमेंट्स अच्छे लगेंगे हमें, हमारे दिल से हमारे मन से अच्छे लगेंगे, उन्हीं को हम सिलेक्ट करेंगे अपने गिव अवे के लिए। गिव अवे में कुछ भी हो सकता है, वो 1 रुपी की चीज़ भी हो सकती है या फिर 1000 रुपी की भी चीज़ हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कमेंट्स पे। अगर कमेंट मेरे दिल को ज़्यादा छूता है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 1000 के अराउंड अराउंड कोई आपको गिफ्ट प्रोवाइड कर दूँ। एंड तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट विद #2Backpackers। अगर स्पेस नहीं रखना है तो भी चलेगा, 2Backpackers स्पेस के साथ रखना है तो भी चलेगा। एंड दैट्स नॉट बैग, दैट्स बैकपैकर। ओके, और आने वाला ब्लॉग भी बहुत जल्द आएगा, कोशिश करेंगे कि अब देखिए आयुषी की ज्वाइनिंग है, उसकी मेटर्निटी ख़त्म होने जा रही है 2nd of January 2023, एंड उसके बाद हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द कोई नया ब्लॉग ज़रूर लाए। और अगर आपकी कोई रिकमेंडेशंस होंगी कि ऐसा ही ब्लॉग बनाइए हमें इस, और एक चीज़ गाइज, ये सब छोड़ दो रिकमेंडेशन, आपके घर के आसपास जो भी एक नया स्टार्टअप बिजनेस होगा, स्टार्टअप इन द सेंस एक छोटा लोकल बिजनेस, जैसे मैंने लिंक में डाल रहा हूँ, दो डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे देंगे हम आपको, उस लिंक्स पे देखिएगा जाकर, वैसे शॉप्स होंगे तो आप ज़रूर मुझे उसका फ़ोटो खींचे विद एड्रेस क्लियर और मुझे मेल या फिर इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा, डायरेक्ट मैसेज में DM कर दीजिएगा, तो वहाँ से हम वहाँ पर जाकर वीडियो बनाएंगे, जितना जल्दी टाइम मिलेगा उतना जल्दी फ्री होकर। एंड एज़ यूजुअल मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिएगा, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, विदाउट मास्क बाहर मत निकलिएगा। थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइबर्स, एंड प्लीज़ आयुषी के लिए थोड़ा सा प्रे करिए, ज़्यादा नहीं, बाकी मैं, मेरी मॉम, डैड, मेरे मदर इन लॉ सब प्रे कर लेंगे, उसका बेबी भी है, उसका और मेरा बेबी, वो भी प्रे कर लेगा, उसको समझा देंगे। ओके, तो आप लोगों को बस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना है, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करना, हर एक वीडियो देखिए, जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पर कमी है तो वहाँ पर कमेंट कर दीजिए, हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में ऐसी कोई गलती ना हो। ओके, टिल देन एंजॉय दिस व्लॉग, एंजॉय अपकमिंग व्लॉग्स, तब तक के लिए सिया, गुड बाय, शबा खैर, बाय बाय।